बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता के टॉलीगंज में पार्टी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के लिए रोड शो किया। टॉलीगंज टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए बीजेपी ने भी सीट से अपना सबसे मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। जेपी नड्डा के इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर बाबुल सुप्रियो को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। खुद बाबुल सुप्रियो ने भी न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। वहां लोगों ने मन बना लिया है कि हम अपने बहुत तो जेपी नड्डा की तरफ से रोड शो किया गया टॉलीगंज, जहां से बाबुल सुप्रियो उम्मीदवार हैं। बाबुल सुप्रियो को उतारा गया है। बाबुल सुप्रियो की जीत का दावा करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बाबुल सुप्रियो की जीत निश्चित है और अब बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि तोलाबाजी नहीं चलेगी। अब आइए सुनवाते जेपी नड्डा ने क्या कहा। कोलकाता की टॉलीगंज सीट जहां से खुद बाबुल सुप्रियो को उतारा है बीजेपी ने, वहां रोड शो करते हुए बाबुल सुप्रियो के साथ बीजेपी अध्यक्ष खुद जेपी नड्डा साहब यहां पर आए हैं। नड्डा साहब, बाबुल जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, एक तरह से तृणमूल के गढ़, जो गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ में सीधा सेन लगाने की कोशिश आपकी? देखिए अजवानी जी, आपने खुद ही कह दिया कि गढ़ कहा जाता था, इट्स ए मैटर ऑफ पास्ट नाउ। नाउ इन प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी हैज टेकन ओवर और भारतीय जनता पार्टी को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। एंथुजियाज्म आप देख सकते हैं, बाबुल सुप्रियो का यहाँ से जीतना तय है। बंगाल की जनता ने सारे बंगाल में तय कर लिया है, डोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के प्रति, विकास के प्रति अपने आप को समर्पित करके सारी बंगाल की जनता और ये टॉलीगंज जो कला का उद्गम स्थान रहा है, वहाँ लोगों ने मन बना लिया है कि हम अपने बहुत अच्छे प्रतिनिधि बाबुल सुप्रियो को यहाँ से चुनाव जिता के भेजेंगे। लेकिन बाबुल जी मंत्री भी हैं और केंद्र में भी हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, इन्हीं के सामने पूछ लेता हूँ। देखिए, ये तो हमारे यहाँ पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन बाबुल सुप्रियो हमारे अच्छे नेता हैं और इनका सदुपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। बंगाल की जनता प्यार देगी, हम सदुपयोग करेंगे और बंगाल के जनता के लिए समर्पित होकर के करेंगे। तो बाबुल जी, आपने मांगा था लड़ना या कहा गया? सर मुझे देखो, जॉब इन हैंड जो इम्पोर्टेंट होता है बंगाल के लिए, जब इतनी बड़ी असली परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, अगर पार्टी, जैसे सर ने कहा, पार्टी अगर मुझे वहाँ पे दायित्व देती है तो मैं बड़े खुशी खुशी से लड़ रहा हूँ और मैं कोई मुश्किल सीट से लड़ना चाह रहा था और सर ने ये बात मान ली और हमें ये दायित्व दिया है। ये जगह हम जीत के ही दिखाएंगे। जो तोलाबाजी, सिंडिकेट, इलीगल कर्म और ममता बनर्जी का राइट हैंड बन के पूरे बंगाल में जो इस तरीके का गुंडों का लालन पालन करने वाला जो आरोप विश्वास है, उनको बिल्कुल टालीगंज में भारी भक्तों से हराऊंगा। पर नड्डा जी, अब बाबुल जी को आपने यहाँ पे उतार दिया है, तो वहाँ ममता जी के साथ जया बच्चन जी आ रही है इनके खिलाफ प्रचार करने? आए वो, ये प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन जया बच्चन जी उत्तर प्रदेश में तो दिखी नहीं। मैं चुनाव का प्रभारी था लोकसभा के चुनाव में, जहाँ से वो सांसद हैं। अब लोग आते हैं, मेरे आदरणीय जया जी के प्रति हमेशा आदर के वाक्य रहते हैं, लेकिन इट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन फॉर हर टू कम, बट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। उनका आना उनके अधिकार क्षेत्र में है, आए जरूर आए, लेकिन बंगाल की और टॉलीगंज की जनता ने बाबुल को पीठ पर हाथ डाल करके थपथपी देने का तय कर लिया। आप तो आदर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी पार्टी की, आप महिलाओं के प्रति आदर की तरह पेश नहीं आती आपकी पार्टी। देखिए, अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितनी संस्कारित तरीके से भारतीय जनता पार्टी शब्दों का चयन करके सबके प्रति और महिलाओं के प्रति तो विशेष करके, और इसीलिए हमारी महिलाएं सांसद सबसे ज़्यादा हैं और इसीलिए हमारे महिला मंत्री सबसे ज़्यादा हैं और इसीलिए हमारी महिला MLA सबसे ज़्यादा हैं, रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है, जिला परिषद में हमारी सबसे ज़्यादा है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति बहुत ही आदरपूर्वक ढंग से अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए उनके साथ काम में जुटती है। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं और यहाँ आसाम को लेकर कहा जा रहा है थोड़ा मुश्किल हो रही है। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हम वहाँ फिर से
सरकार बना रहे हैं, परसों चुनाव हो जाएंगे, थर्ड फेज के फाइनल ब्लॉक हो जाएगा और वहां हर एक दोनों फेज में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और यहां तीसरे फेज में भी असम में हमें अच्छी बूझ। तो अंत में ये बताएंगे तीन फेज मिला के कितनी सीटों पर आ गया आप मान रहे अपने आप को? कहां यहां पे तीन फेज मिला के अच्छी सीटें आएंगी, हम टोटल तो ग्रैंड टोटल तो बाद में ही करेंगे पर सीधे सीधे हम 90% प्लस जा रहे हैं। जया बच्चन जी को क्या कहेंगे? बस वही जो सर ने कहा है कि प्रजातंत्र है, आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर जया जी को अरुविश्वास के बारे में बैकग्राउंड मालूम होता तो डेफिनेटली वो यहाँ पे नहीं आते, इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे खुद जेपी नड्डा और बाबुल सुप्रियो के लिए रोड शो करते हुए जेपी नड्डा, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम। और इस वक्त एक बड़ी खबर कोरोना पर बड़ी खबर ये कि बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल को, बैठक शेड्यूल की गई है पीएम मोदी 8 तारीख को सभी जो सीएम हैं उनके साथ बातचीत करेंगे कोरोना को लेकर, ये चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोरोना को लेकर चर्चा होगी, कल भी मंथन किया गया था और कहा था कि जागरूकता को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा कोरोना को मात देने के लिए। और इस सबके बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बैठक की जाएगी 8 अप्रैल को, ये बैठक होगी जहां वो सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रवि क्या जानकारी? और ये प्रधानमंत्री की हाल फिलहाल में दूसरी बैठक है, अभी रविवार को ही एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ में बैठक की थी और उसमें अब वो जानकारी ली थी कि कौन कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर देश भर में क्या स्थिति है, इन चीजों को लेकर जानकारी ली थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, नीति आयोग के अधिकारी, तमाम लोग जो है शामिल हुए थे। लेकिन अब ये मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक प्रधानमंत्री करेंगे, ये वर्चुअल बैठक होगी और इससे पहले भी हालांकि प्रधानमंत्री बैठकें करते रहे लेकिन जिस तरह की से देश भर के कई राज्यों में और खास करके 11 से 12 राज्यों में कोरोना के नए केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और आज ही 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे। उनसे ये भी जानकारी ली जाएगी कि आखिर में किस राज्य में और क्या वजह रही है कि वहां पर केस बढ़ रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। जी, और इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से, वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ की वसूली की मांग थी तो फिर पूरे महाराष्ट्र से कितना मिलता है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि अनिल देशमुख के पद पर रहते मुंबई पुलिस जांच नहीं कर पाती जबकि शुरू से ही इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने यह भी सवाल उठाया कि इस मामले में उद्धव ठाकरे अपना मुंह कब खोलेंगे। तो आपको बता दें अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है, खुद रविशंकर प्रसाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने यह सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना मुंह कब खोलेंगे, खामोशी से सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जैसे वाजे केस की परत दर परत खुल रही है वैसे ही इस पूरे मामले में भी सीबीआई जांच करेगी। तो उद्धव सरकार पर बीजेपी ने डबल अटैक किया और यह कहा कि कोर्ट ने भी परमबीर के आरोपों को गंभीर माना है। साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि लगातार यह मांग हो रही थी कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, जांच स्टेट लेवल की एजेंसी से हो ही नहीं सकती थी और ऐसे में अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच फेयर तरीके से करेगी। सुनिए क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने। ये बात उठाई थी तो हमने एक बात और कही थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं, शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल ही हो गया, वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? Why the country was being taken for a ride?
हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते हैं ना देते हैं, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। इसमें क्या कहा गया है? मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? उद्धव ठाकरे जी, आपके मुख्यमंत्री तो रोज अपने को डिफेंड करते थे, मंत्री, गृह मंत्री, आप तो कुछ नहीं बोलते थे, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके प्रवक्ता, आपके नेता और देशमुख साहब खुद ही अपने को डिफेंड करते थे कि मैं तो बीमार था और क्या था वगैरह वगैरह। तो आज उनके शब्द से नैतिक कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं ये बात निकली है, तो उद्धव ठाकरे जी आपकी नैतिकता कहां है? और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, देशमुख के इस्तीफे के बाद अनिल देशमुख पर घिरी महाविकास अगाड़ी सरकार की मुश्किल कुछ कम होती हुई दिख रही है क्या? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जैसे जैसे वाजे केस में परत दर परत चीजें खुली हैं, वैसे ही सीबीआई अब जब परमबीर के आरोपों की इस पूरे मामले में जांच करेगी अनिल देशमुख की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर गायत्री आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी ने एक लड़ाई शुरू की थी जब ही परमबीर सिंह ने पत्र लिखा था, उसके बाद बीजेपी ने एक लड़ाई शुरू की थी। इस समय अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने के बाद हम खड़े हैं मुंबई के बीजेपी दफ्तर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलचलें तेज हो गई। कोरोना काल के वजह से यहाँ पर कोई मंत्री नहीं आ रहा था, लेकिन मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है वो एक बार शुरू हो गया। हमारे साथ इस समय माधव भंडारी जी मौजूद हैं जो बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सर, इस्तीफा दिया गया है, अब नारायण राणे जो सांसद हैं बीजेपी के, वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राणे साहब ने जो मुद्दा उठाया है उसमें एक बात बहुत ही जायज है जो देवेंद्र जी फडणवीस ने भी कही है कि इतना सारा हो रहा है लेकिन मुख्यमंत्री इस विषय में चुप्पी साधे बैठे हैं। एक भी लफ्ज अभी तक मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय में कहा नहीं है, और जबकि ये सारा वाजे का मामला जो है और अनिल देशमुख का मामला जो है वो केवल गृह मंत्री से जुड़ा हुआ नहीं है। वाजे के खत में उसने ये परमवीर सिंह के खत में परमवीर सिंह जी ने ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मैंने इन सारी चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री महोदय को दी थी, उप मुख्यमंत्री महोदय को दी थी, पवार साहब को दी थी, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अनदेखा किया। अगर ये परमवीर सिंह लिखित रूप में कहते हैं तो ये बहुत ही गंभीर बात है, और इसका जो कुछ छानबीन है वो होनी ही जरूरी है। सर, बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी? अब इस्तीफा तो दे दिया है, अब आगे का बीजेपी की भूमिका क्या रहेगी? नहीं, ये इस्तीफे से कुछ नहीं हुआ, ये जो इस्तीफा है ये तो केवल शुरुआत है, और वाजे मामले का जो सारा खेल है वो बहुत लंबा खेल है, इसमें बहुत बड़े खिलाड़ी फंसे हुए हैं, और इन सब लोगों के नकाब, उनको बेनकाब करना, इन सब लोगों के चेहरे लोगों के सामने लाना, इसके लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। साफ तौर पर इनका कहना है कि ये केवल एक शुरुआत है, अनिल देशमुख का जो इस्तीफा है वो केवल शुरुआत है, और भी कई बड़े नाम जो हैं वो इस मामले में सामने आने वाले हैं। गायत्री, बिल्कुल लौटेंगे आशीष आपके पास। इस बीच अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप अनिल देशमुख के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या अनिल देशमुख की तरफ से दे दिया गया मुख्यमंत्री को इस्तीफा और उनकी तरफ से मंजूर हो चुका है क्या? क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री को, और इसके बाद अब ये चर्चा शुरू है कि नए गृहमंत्री के तौर पर किसे रखा जाए, उसको लेकर चर्चा शुरू है। लेकिन अनिल देशमुख ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और वो अपने घर पर अभी मौजूद हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि वो सीएम से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके अपनी सारी बातें भी रखेंगे कि क्या क्या वजहें थी और किन किन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि बतौर गृहमंत्री वो भले ही कुछ ना कह पा रहे हैं, लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वो इंक्वायरी फेस करने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी कोशिश है कि मुख्यमंत्री को वो सारी चीज़ें बताई जाए जो अब तक उन्होंने नहीं बताई या जिन पर वो पर्दा पड़ा हुआ था। हालांकि सरकार के ऊपर लगातार दबाव है और करप्शन जैसे मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से चीज़ें सामने आई थी उसके बाद
कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है और अपने दाग को धुलने के लिए लगातार कोशिश हो रही थी। कांग्रेस का पहले से दबाव था, एनसीपी ने आज क्लियरेंस दिया है, शिवसेना के लोग भी चाह रहे थे, ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक इस्तीफा एक्सेप्ट भी सीएम कर लेंगे। एक बार सीएम ने एक्सेप्ट कर लिया और राज्यपाल के पास भेज दिया तो अनिल देशमुख पूरी तरीके से गृहमंत्री पद से कार्यमुक्त हो जाएंगे और उसके बाद नए गृहमंत्री। लेकिन सवाल यही खड़ा है कि देशमुख को लेकर महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें क्या अब कम होती हुई दिख रही है, महाराष्ट्र सरकार की मुश्किल कम होती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। इस सबके बीच आपको बता दें कि 100 करोड़ की वसूली के आरोपों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अनिल देशमुख को अपना यह पद छोड़ना पड़ा। इस्तीफा देने से पहले अनिल देशमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे में अनिल देशमुख ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर हर महीने पब और बार से 100 करोड़ रुपए की उगाही का दबाव बनाने का आरोप लगाया था और इसी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। अनिल देशमुख ने कहा कि नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दिया और इसी पर निशाना साध रही है, सवाल उठा रही है बीजेपी। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख के इस्तीफे के बहाने उद्धव सरकार और कांग्रेस एनसीपी साथ ही शिवसेना के इस पूरे गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। आखिरकार उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ये इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन जहां एक और ये इस्तीफा हुआ है, वही मैं दूसरी ओर सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मौन क्यों है। ये पूरा प्रकरण बढ़ता गया, प्रकरण जटिल होता गया, परत दर परत खुलता गया, इसमें से कई आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बाहर आई, कई सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी। इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद दिलीप पाटिल का नाम महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि गृहमंत्री की रेस में जयंत पाटिल, छगन भुजबल और राजेश टोपे का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। और आइए अब बात कोरोना की। कोरोना वायरस का कहर देश में थमता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वायरस की नई लहर ने मुसीबतों का दौर एक बार फिर से कई गुना बढ़ा दिया है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के बाद तो जैसे पूरी सत्ता और शासन में हड़कंप मच गया है। वायरस की इस रफ्तार की काट निकालने के लिए सरकार भी अब नए सिरे से प्लानिंग में जुट गई है। देश में वायरस का नया विस्फोट, कोरोना के सारे रिकॉर्ड फर्स्ट। एक दिन में 1 लाख पार, सरकार के सामने मुसीबतों का अंबार। कोरोना पर काबू पाने का मास्टर प्लान। देश में कोरोना की दूसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सावधानी न बरतने की कीमत देश को कुछ यूं चुकानी पड़ रही है कि कोरोना के पिछले सारे रिकॉर्ड एक ही दिन में ध्वस्त हो चुके हैं। देश में एक ही दिन में नए मरीजों की संख्या जहां 1 लाख को पार कर चुकी है, वहीं महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी आंकड़े आसमान छूने पर आमादा है। महाराष्ट्र में
एक दिन में 57,074 नए केस दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 3,178, गुजरात में 2,875, राजस्थान में 1,729 केस दर्ज किए गए हैं। दरअसल कोरोना की नई लहर की चुनौती इस बार कितनी बड़ी और भयावह है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। बीते 24 घंटे में देश में 1,03,558 केस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 17 सितंबर 2020 को 98,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, यानी देश में मार्च 2020 में पहला केस आने के बाद इतने मामले आने में करीब 7 महीने का वक्त लगा था। लेकिन इस साल ये आंकड़े 1,03,558 तक करीब 3 महीनों में ही पहुंच गए हैं, यानी कोरोना की ये नई लहर 2 गुना से भी ज्यादा रफ्तार से भारत में आई है। कोरोना के इन्हीं आंकड़ों ने केंद्र सरकार को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग में कोरोना के खिलाफ 5 अहम रणनीतियां बनाई गई, जिनमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोरोना प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन शामिल है। इतना ही नहीं, इस हाई लेवल मीटिंग में कोरोना के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाए जाने का भी ऐलान किया गया है। ये अभियान 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जनता को 100% मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस खास अभियान में लोगों को साफ सफाई के बारे में भी बताया जाएगा, साथ ही कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। कोरोना के इस उछाल मारते ग्राफ ने अगर सबसे बुरा हाल किसी राज्य का कर रखा है तो वो है महाराष्ट्र। यहाँ कोरोना ने जिस रफ्तार से अपने पांव पसारे हैं, उसने पूरे सिस्टम के पैर उखाड़ दिए हैं। इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि अभिनेता अक्षय कुमार के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें जहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है, वहीं उनकी फिल्म राम सेतु के 45 जूनियर कलाकार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर ने कुल 100 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें से 45 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना की इसी रफ्तार की वजह से महाराष्ट्र सरकार अब लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ाई से निपटने की ठान चुकी है, और इसी के मद्देनजर कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत धार्मिक स्थलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मॉल, थिएटर और पार्क भी बंद रहेंगे। खेल के मैदानों को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल की सुविधा लोगों को मिलेगी। होटल और बार भी बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी काम से ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की इस नई और सख्त गाइडलाइन का ऑटो वालों ने भी स्वागत किया है। हालांकि लोग इस बात की भी गुजारिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से बंद ना किया जाए। सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं, जब उन्होंने कहा कि एक पैसेंजर अब आपको कम ले जाना पड़ेगा? नहीं, सरकार तो हमारे लिए ही सारे वर्क कर रही है। हम लोगों की सुरक्षा और को ध्यान में रख करके किसी तरह का हम लोगों का विरोधाभास इसके लिए नहीं है, बदलते हमारी चिंताओं को थोड़ा ध्यान में रखा जाए कि हम लोग जो है मजदूरी तबके के आदमी है, घर चलाना और ये सब तमाम तरह की दिक्कतें। पूरी तरीके से बंद ना किया जाए, इसको लेकर आप लोग मांग करते क्या करते हैं, क्या मांग करते हैं? पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, सब तो खाने पीने मरने लगेंगे, थोड़ा बहुत चालू रहेगा तो हम लोग भी खा जी लेंगे। अभी जो नियम आया है उससे क्या कैसे देखते हैं? वो बहुत अच्छी है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में रोजाना की तरह आज भी डराने वाली तस्वीर दिखाई दी। मुंबई सहित महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते, खराब होते हालात के चलते सरकार ने आज से कड़े नियम और पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है। लेकिन उसके ठीक उलट मुंबई के दादर सब्जी मंडी की जो तस्वीर है वो हर दिन की तरह उसी तरह है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हर दिन की तरह भीड़ इकट्ठा हुई है, और भीड़ में जो सरकार ने फैसला किया है कि लोग नियमों का पालन करें, उस नियम का पालन फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा। मैं आपको अगर धीरे धीरे लेके चलने की कोशिश करूंगा तो ये आपको लगेगा कि अब कितने कोविड नियमों का कितना पालन हो रहा है। ये देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल बेहद ही करीब हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जरा भी यहाँ पर ख्याल रखा नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने
कोरोना के खिलाफ सख्ती और अपने नए अभियान को ब्रेक द चेन नाम दिया है। इस अभियान के तहत लोगों के लिए कई गाइडलाइन तैयार की गई हैं। मसलन रात में कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। डिलीवरी बॉय का वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। डिलीवरी बॉय का वैक्सीनेशन नहीं होने पर 10,000 जुर्माना देना होगा। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। विजिटर को दफ्तरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दफ्तरों की सभी बैठकें ऑनलाइन होंगी। प्राइवेट कार्यालय पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बिजली पानी सप्लाई के दफ्तर खुले रहेंगे। सभी प्राइवेट और सरकारी वाहन शुरू रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट बसों में 50% लोग यात्रा कर सकेंगे। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने आज से कड़े नियम और पाबंदियां लागू कर दिया है। सबसे अहम चीज ये कि जो प्लेग्राउंड्स हैं उसे बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा हो रही थी। मैं इस वक्त दादर के शिवाजी पार्क के मैदान में मौजूद हूँ और आप देखिए आम तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं सुबह सुबह क्रिकेट खेलने के लिए अन्य स्पोर्ट्स खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं और काफी भीड़ देखी जाती है। कल न्यूज 18 इंडिया की टीम ने दिखाया था कि किस तरह की गर्दी जो है इस मैदान में देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर मैदान को खाली करा दिया गया है। अहम चीज यही कि जो प्ले ग्राउंड में मौजूद हूँ उसके बाहर की अगर तस्वीर देखेंगे दूसरी तरफ तो वो बेहद ही डराने वाली है, क्योंकि जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो 144 इम्पोज किया गया है पूरे स्टेट में मुंबई सहित, वहाँ पर देखिए कि किस तरह से तस्वीरें यहाँ पर आपको मैदान के बाहर की नजर आएंगी। मैदान के बाहर मॉर्निंग वॉकर्स बड़ी संख्या में यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, लेकिन 144 यानी 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बसेस की, टैक्सीज की और एसटी बसों की, तो इसमें जितनी सिटिंग कैपेसिटी है उतने लोगों को ही दिन में जो है अलाउ किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स के मामले में बिल्कुल सिटिंग अलाउ नहीं किया गया, खाली उनको पार्सल्स और टेक अवे अलाउ किया है। उसके अलावा मॉल्स को जो है पूरी तरीके से बंद रखा है। मॉल्स के अंदर अगर किसी को शुरू करना है तो उसको वैक्सीनेशन लेना होगा, उसके बाद वो अपनी दुकान शुरू कर सकता है, या उसको आरटीपीसीआर करके 15 दिन की मुद्दत तक ही वो आरटीपीसीआर की वैल्यू होगी और वो दुकानें शुरू कर सकते हैं। खतरा भी बड़ा है, चुनौती भी बड़ी है, उस पर लापरवाही की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। बीएमसी का दावा है कि मुंबई के फेरी वालों के पास जमा होने वाली ग्राहकों की भीड़ की वजह से वायरस बेकाबू हो गया है। यही वजह है कि बीएमसी ने घाट कोपर जैसे इलाकों के लिए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के मुताबिक फेरी वालों के लिए निश्चित समय सीमा तय कर दी गई है। पहली शिफ्ट में सुबह 7 से 11 बजे तक फेरी वाले अपनी दुकान खोल सकेंगे। दूसरी शिफ्ट में शाम 4 बजे से 7 बजे तक फेरी वाले अपनी दुकान लगा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई फेरी वाला दिखा तो बीएमसी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम लोगों को ये आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि लोगों ने इसमें सहकार्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करे, लोगों का रजिस्ट्रेशन और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने का प्रयास करे ताकि इस महामारी से हम लोग जल्दी बाहर आ पाए। कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े, लोगों की वायरस के प्रति लगातार बढ़ती अनदेखी एक ऐसे खतरे की ओर इशारा कर रही है जिसका खामियाजा असल में आम जनता को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि वायरस पर वार करने के लिए अब कड़े कायदे कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।